मोतिहारी में चौहरमल जयंती के अवसर पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन का आयोजन किया गया। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष सांसद चिराग पासवान ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी ने बिहार को बदहाल कर दिया है। श्री पासवान ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ और सुखाड़ के स्थायी निदान के लिए कुछ भी नहीं किया। श्री पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट विजन को आगे बढ़ाकर ही प्रदेश का विकास किया जा सकता है। जब चिराग पासवान आता है और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि भैया ये विकास की बात क्यों कर रहे हैं। और कहीं अगर इसकी बातें युवाओं के दिल में बस गईं, इसकी बातें महिलाओं के दिल में घर कर गईं, इसकी बातों को बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल गया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश एक विकसित राज्य बन जाएगा। और इस बात से डरते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी।